नमस्कार। लेमन न्यूज के खास कार्यक्रम भ्रष्टाचार का पिटारा के सेकंड पार्ट में हमारे सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं सीमा। अपने इस खास कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे और हम आपको बता दें कि नवी मुंबई पालिका का बजट तैयार किया गया है और इसमें आरोप लगाया गया है कि ये वन टाइम प्लानिंग बजट नहीं है बल्कि वन टाइम करप्शन बजट है। इस पर आज हमारी खास चर्चा है। तो आपको बता दें कि नवी मुंबई का बजट जब तैयार किया गया तो कहा जा रहा है, एक तरफ तो कहा जा रहा है कि इसे पूरी तरह से पालिका के अधिकारियों के तहत तैयार किया गया है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ एक हाईकोर्ट के वकील हैं जिन्होंने याचिका दायर की और उन्होंने कहा है कि इस पूरे बजट में कहीं ना कहीं घोटाला है, भ्रष्टाचार है और इस बजट को तैयार किया है मात्र वहां के नेताओं ने। इस पूरे खबर पर हम अपने चर्चा को करेंगे और हमारे साथ कुछ गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, जिसमें हमारे साथ सबसे पहले मौजूद हैं इस वक्त याचिकाकर्ता हाईकोर्ट के वकील हैं विनोद गंगवाल जी। विनोद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टूडियो में। और हमारे साथ जुड़ रहे हैं एनसीपी के नेता हैं, पूर्व महापौर भी हैं और इस समय जिला कार्याध्यक्ष हैं नवी मुंबई के, शशिकांत विराजदार जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ तीसरे गेस्ट जुड़ रहे हैं इस समय कांग्रेस के, ये कांग्रेस उपाध्यक्ष हैं नवी मुंबई के और साथ ही साथ पूर्व महापौर हैं, ये है हमारे साथ रमाकांत नारायण महात्रे जी। महात्रे जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो नवी मुंबई का बजट तैयार हुआ, भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं। सबसे पहले हम गंगवाल जी आपसे ही जानना चाहेंगे, बजट तैयार हुआ है, हो सकता है कि नियम के आधार में कुछ इधर उधर कमियां हो जाती हैं वो हुई हो, लेकिन आपने जो याचिका दायर की है उसने आपने सीधे सीधे भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। कहां आपको दिक्कतें समझ में आ रही हैं, कौन सी परेशानी है इस बजट में? जी, बजट जैसा ये मेरा आरोप है कि भ्रष्टाचार का एक बड़ा पिटारा है जो यहाँ के नेताओं द्वारा तैयार किया गया है। मैं आप सबसे पहले आज आपके दर्शकों को बताऊंगा ये जो बजट है इसका कॉपी दिखाना चाहूंगा। बजट किसके द्वारा बनाया जाता है सीमा जी? बजट एक कैफो द्वारा बनाया जाता है, एक फाइनेंशियल ऑफिसर द्वारा बनाया जाता है, पालिका कमिश्नर द्वारा बनाया जाता है और एक्ट कहता है कि इसको स्टैंडिंग कमिटी के अंदर प्रोड्यूस किया जाना चाहिए, उनके अप्रूवल के बाद में जनरल बॉडी की ये अप्रूवल ली जाती है। लेकिन ये जो बजट आप यहाँ पर है कि संकल्पना गणेश जी नायक की, गणेश जी नायक एक मंत्री है, मंत्रालय में मतलब मिनिस्टर के पद पर है, गार्डियन मिनिस्टर है, यहाँ पर संकल्पना गणेश जी नायक की है, साथ में उनका जबकि इस बजट से कोई लेन देन नहीं होना चाहिए, कोई सरकार नहीं होना चाहिए, बजट में क्या प्राइम मिनिस्टर का नाम आता है? साथ में एक आता है कि उनके बेटे खासदार संजीव जी गणेश नाई, खासदार ठाणे लोकसभा संदीप जी नाई, सहकारी है, मतलब क्या सहकारी होगा पालिका के अंदर? पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट है, प्लानिंग डिपार्टमेंट है, कैफो है, सिटी इंजीनियर है, उसके बाद में सादर करते कौन है आज इस बजट के? सागर ज्ञानेश्वर जी नाई। अभी इन लोगों ने बजट बनाया, इन्होंने प्रस्तुत कर दिया, आज ये बजट को किसी भी अप्रूवल नहीं है। और मैं आपको कुछ डॉक्यूमेंट ये क्यों बता रहा हूं मैं, आज ये भ्रष्टाचार का पिटारा है। एक मंत्री जी है जो डीएनए के अंदर एक खबर लिखी थी जिसमें लिखा था कि इवन इफ यूटी सेज नो वन टाइम प्लानिंग विल बी कैरिड आउट, मतलब एक यूटी जिसके हेड आज मुख्यमंत्री साहब है, अगर आज वो भी ना बोलेंगे तो दे विल गो अहेड, दिस इज द स्टेचुटरी रिक्वायरमेंट टू पास एनी सच टाइप ऑफ प्लानिंग, इट शुड बी अप्रूव्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग, बट दे आर नॉट। उसके बाद के अंदर इन्होंने इलीगली एक, मैं ये रिपोर्ट दिखा रहा हूँ, एनएमएमसी क्लियर वन टाइम प्लानिंग बजट, इनके पास में टेक्निकली कोई अप्रूवल है तो बताएं। आज एनसीपी के यहाँ पर नेता आए हुए हैं, ये बताएं कि भाई कहाँ से इनको अप्रूवल मिली, कहाँ पर बजट राइटिंग में दिख। आज पेपरों की मैं दूसरी कुछ रिपोर्ट दिखाऊंगा, नई मुंबई विकणे आहे, या अच्छी नई मुंबई के अंदर लगा था नई मुंबई विकणे आहे, इसकी हमने इतनी इंफॉर्मेशन आज मंत्रालय में दी है, सीबीआई तक दी है, हर डिपार्टमेंट्स को मैंने कम से कम 150 ईमेल करी है कि दिस इज टोटल, दिस बजट इज इलीगल, आर्बिट्ररी, अगेंस्ट द रूल, जो बीपीएमसी एक्ट है उसके सेक्शन 86 क्लियरली सेज कि कोई भी बजट के अंदर अगर एलोकेशन होता है जो पिछले साल गत वर्ष में प्रोविजन किया जाता है वही खर्चा कर सकते हैं। इन्होंने 12,500 करोड़ का ये जो बजट प्रस्तुत किया सीमा जी, आप देखेंगे ये किस ढंग से ये प्रस्तुत कर दिया, इलीगली पास कर दिया और आज उसका एजुकेशन चालू कर दिया। सबसे हंसी की बात आज इस बजट की मैं बताऊंगा, ये जो बजट है 13 तारीख को इसका सर्वे डिटेल हो जाता है, 13 मई को,
13 जून को इनका डिटेल डिजाइन एंड ड्राइंग हो जाती है, एस्टिमेट रिपोर्ट 13 जून को बन जाती है, सारे ड्राफ्ट टेंडर 13 जुलाई को फाइनल हो जाते हैं, टेंडरिंग प्रोसेस 13 सितंबर को, 13 को पता नहीं इनका कोई ऑस्पिशियस डे होगा शायद पार्टी वालों का, एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क 13 दिसंबर को हो जाता है। बड़ी हैरानी की बात है, 13 तारीख को ऐसा क्या, और एक ही दिन के अंदर सारे ड्राफ्ट बन जाते हैं, एक ही दिन में एग्जीक्यूशन ऑफ टेंडर हो जाते हैं। 20 साल की प्लानिंग, 2020 का ही विजन लेके चल रहे हैं, और ये पालिका के ऊपर आज की डेट में इन्होंने बजट बना दिया। मैं आपको एक सिंपली बताना चाहूंगा कि बजट, ये बीपीएमसी एक्ट है, इसके अंदर सिर्फ एक साल का ये पास कर सकते हैं, बनाया जा सकता है, जी लेकिन वहां पर एक हिगेमोनी चल रही है, मोनार्ची चल रही है, चाहे जैसे बजट बना लो, चाहे जैसे पास करवा लो। और इसके अंदर सबसे बड़ा गुना किया है कि जनरल बॉडी में अप्रूवल, अरे जनरल बॉडी किसी को भी फांसी की अप्रूवल दे सकती है क्या? जनरल बॉडी कुछ भी अप्रूवल है, आपको कायदे के तहत काम करना है तो कायदे के जी तहत बिल्कुल, काम कुछ करिए। नियम कानून बने हैं तो जिसके तहत रहकर ये करना है, क्लियरली करप्शन का, भ्रष्टाचार का पिटारा है जी जो वहां के पालक मंत्री ने पास करवाया है, और क्लियरली आज जी देखिए उनका नाम क्यों आना चाहिए, लेकिन नाम आया, क्यों आया नाम, जी इसके लिए गढ़वाल हम जी यहाँ रोकना चाहूंगी। शशिकांत जी आपसे जानना चाहूंगी कि जिस तरह की आरोप ही कहेंगे, आरोप लगा रहे हैं गढ़वाल जी, क्या कहेंगे उस पर, भ्रष्टाचार वाकई हुए है क्या इस पूरे बजट में, और क्या मात्र नेताओं ने इसे तैयार कर दिया है या फिर इस बजट को तैयार करने में वाकई पालिका के अधिकारी भी शामिल हुए हैं? देखिए, आप जो भ्रष्टाचार का पिटारा जो नाम रख दिया प्रोग्राम जी का, ये मूलतः गलत बात है। कुछ हुआ ही नहीं, अब जी कुछ होने वाला है, उसके लिए आप आज से ही डंडोरा पिटोगे। वो कहते हैं ना, हाथी चले बाजार और लोग पीछे चले हजार, वैसा ये जो इनका जो कहना है ये बिल्कुल बेबुनियाद और झूठे आरोप है। क्यों? आज इस बजट में जो प्लानिंग अथॉरिटी है, डीपीडीसी बोलते हैं उसको, जिला नियोजन समिति, ये समिति के प्रमुख है, पालक मंत्री रहते हैं। पालक मंत्री आज जिले के हैं गणेशी नाइक, जिनके विधानसभा क्षेत्र है बेलापुर, यानी नई मुंबई महानगर पालिका के हद के, वो आज वहाँ के आमदार है और वहीं के जिले के पालक मंत्री है, एज बींग डीपीडीसी के चेयरमैन के नाते इस जिला में, ठाणे जिला में एक प्रायोगिक तत्व के ऊपर उन्होंने ये नियोजन का ये जो प्लान है वो ठाणा में डीपीडीसी की मीटिंग में रखा, उसमें चार खासदार आमदार सब जिला नियोजन समिति के सदस्य थे, वहाँ मंजूर होके फिर ये महानगर पालिका में आया हुआ है, और महानगर पालिका में आके जी उसमें बहस हुआ है, जी और बहस हो के उन्होंने, देखिए आज अभी आपने बताया JNNURM, जी जवाहरलाल नेहरू नेहरू अर्बन डेवलपमेंट का, जी आप JNMR के ऑफिस में जाओ, जवाहरलाल जी का फोटो है, उसमें नीचे क्या लिखा हुआ है कि कोई भी शहर का नियोजन, आज आपके शहर का नियोजन 20 साल के अगले इसका सोचना है और वो प्लान करना है, और ये बीपीएमसी एक्ट के कानून के मुताबिक, और ये महाराष्ट्र शासन का जो डीपीडीसी है डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट का, उसके प्रमुख के नाते, और उन्होंने गणेशी नाइक साहब ने, और ये सलाहकार है, जी और जिस एरिया के आमदार है वो, जिस जिले के पालक मंत्री है, ये नवी मुंबई छोड़ो, ये नवी मुंबई तो उनका होम ग्राउंड है, वो तो जी करेंगे और करके रहेंगे हम, जो अच्छी चीज़ है अच्छा करना ही है हमें। और दूसरी बात, ये जो ब्लूप्रिंट बोलते हैं करना है, आज नई मुंबई का हुआ, आगे ठाणे शहर का होगा, उल्लासनगर का होगा, मेरा भाईंदर का होगा, वसई विरार का होगा, और बाद में पूरा ठाणे डिस्ट्रिक्ट का, ये करने का हमारा इरादा है। और ये मूलतः जो डिसिप्लिन और प्लानिंग सोच रहती है उनकी, जी गणेश जी नाइक के शशिकांत जी बारे में, आप 1 मिनट, जी ये जो आधे अधूरे सवाल होते हैं जी उसे मुझे पूरे करना दो, इनका इनसे क्या संबंध? एज बींग डिप्यूटी चेयरमैन यू गॉट अथॉरिटी टू गाइड दिस कॉरपोरेशन। जी सेकंड थिंग, हु इज दैट संजीव नायक एंड संदीप नायक? संदीप संजीव नायक इज द MP ऑफ दिस एरिया, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूटी के, हमारे जी क्षेत्र के आज जो प्रतिनिधित्व करते हैं, और संदीप जी नायक जो महानगर पालिका का दूसरा जो क्षेत्र है ऐरोली, उसके आज विधायक है, MLA है, और ये बजट जो सादर किया हुआ है एज बी हेड ऑफ द कॉरपोरेशन सागर नाइक जी ने किया है। और रही स्टैंडिंग कमेटी की बात, स्टैंडिंग कमेटी में ये बात होती नहीं, प्लानिंग
प्लानिंग की बात महासभा में होती है और महासभा ही इसका जो धोरणात्मक निर्णय बोलते हैं बीपीएमसी एक्ट के अनुसार, जब इस पे बहस हो के ये वन टाइम प्लानिंग जो है ये सोच समझ के, और हमने एक कमिटी बिठाया था, कमिटी बिठा के जी वो कमिटी ने जो अहवाल दिया इनको, 4 साल का, लिसन आपके बात करने में मैंने बात नहीं किया, करिए आप करिए, हाँ, जी जी बोलिए, जो कमिटी ने हमें रिपोर्ट दिया था उसके लिए हमने आगे 20 साल इस शहर का क्या करना है वो लेके, हमने सिर्फ ट्रायल बेस के ऊपर ये जो सीबीडी बेलापुर उसे हमने ये चालू किया हुआ जी। ठीक है, आपने अपनी बात रखी, हम मान रहे हैं कि आप जो कह रहे हैं आपने वो नियम कानून के तहत चलते हुए बजट को तैयार किया है। अब एक बार सबसे पहले हम ग्राफिक्स के जरिए अपने दर्शकों को दिखा देते हैं कि आखिरकार याचिका में किन किन खास पॉइंटों को लेकर इस याचिका को दायर किया गया था, क्या क्या पॉइंट्स हैं, सबसे पहले आपको वो दिखा देते हैं। आपको बता देते हैं कि नवी मुंबई पालिका का बजट वन टाइम प्लानिंग बजट या वन टाइम करप्शन बजट है। भ्रष्ट अधिकारियों और नेताओं ने नवी मुंबई पालिका को बनाया भ्रष्टाचार का परिचायक। कंसल्टेंसी के नाम पर करोड़ों का भ्रष्टाचार, JNNURM फंड का हुआ है दुरुपयोग। भ्रष्टाचार का विकराल स्वरूप वन टाइम प्लानिंग बजट। बच्चों का भविष्य अंधकार में, जन्म के समय बच्चों के सर पर होगा कर्ज। इतिहास में पहली बार नेताओं ने अपने आप ही तैयार किया है बजट। बजट के निर्माण में पालिका के योजना विभाग की कहीं कोई भी भूमिका नहीं है। डिप्लोमाधारी इंजीनियर व जूनियर इंजीनियर 10 सालों से भी ज्यादा समय से सिटी इंजीनियर नेताओं के इशारे पर करवा रहे हैं गोलमाल। प्रशासन बना नेताओं का गुलाम और सीबीडी सेक्टर 15 में नेताओं के अवैध ऑफिस के आसपास निर्माण के लिए लगभग 180 करोड़ रुपए खर्च करने की योजना, अवैध तरीके से प्रस्ताव पास। नेताओं, इंजीनियर्स और अधिकारियों द्वारा किए गए सबसे बड़े करप्शन से हो सकते हैं नवी मुंबई वासी कर्जदार और पालिका दिवालिया। नेताओं, इंजीनियर्स व अधिकारियों द्वारा किया गया है ये पूरा मामला। उच्च न्यायालय ने मांगा है अधिकारियों से इस पूरे मामले पर जवाब। तो शशिकांत जी, ये कुछ ये पॉइंट्स थे जिनके आधार पर इन्होंने याचिका दायर की है, जो आरोप आप पे लगाए हैं वो हम मात्र बता रहे हैं, हम अपनी तरफ से इस विषय पे कुछ भी नहीं बोल रहे हैं और ना ही हम किसी एक सदस्य के या एक पार्टी के विषय में कहीं कुछ बोल सकते हैं। हम मात्र वो चीजें सामने ला रहे हैं दर्शकों के जिस पर इन्होंने याचिका दायर की है। गंगवाल जी ने वो पॉइंट्स हम दिखाए थे कि इन्होंने किन किन चीजों पर आरोप लगाया है और क्या क्या हो सकता है, आपने अपनी सफाई दी है। हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं पूर्व उप महापौर है रमाकांत नारायण महात्रे जी, जो की जिला कांग्रेस के उपाध्यक्ष भी हैं। अभी आपके पास आते हैं महात्रे जी, आप क्या कहना चाहेंगे इस पूरी चीज पर, क्योंकि गंगवाल जी ने पॉइंट्स बता दिए क्या क्या चीजों को लेकर उन्होंने आरोप लगाए हैं। शशिकांत जी की बात करें तो उन्होंने कहा है कि पूरे नियम कायदे से उन्होंने बजट तैयार किया है, आप क्या कहेंगे? देखिए, बजट कौन सा भी रहता है, शहर का रहना दो, स्टेट का रहना दो या अपना पूरे देश का रहना दो जी, बजट हमेशा फेब्रुआरी महीने के आसपास बजट पेश किया रहता है। अभी हमारे जैसी बीपीएमसी एक्ट में फेब्रुआरी 20 के पहले स्टैंडिंग में वो मंजूर होता है, फिर महासभा में जाता है, ऐसा प्रोविजन है, एक्ट है बीपीएमसी एक्ट में। लेकिन यहाँ पे इन्होंने अवैध बजट पेश करके, सिर्फ मेरा ये आरोप है कि सिर्फ यहाँ पे पार्लियामेंट का चुनाव के लिए, असेंबली का चुनाव के लिए और आने वाली हमारी कॉरपोरेशन का चुनाव के फंड के लिए सब पैसा निकालने के लिए, जो 5% वहाँ पे जो कमीशन का राज चल रहा है, तो वो पैसा चुनाव के लिए ये बजट पेश किया है। और इसमें सब हमारे अधिकारी और जो हमारे जो पहले कमिश्नर थे वानखेड़े साहब,
वो भी उसमें शामिल है, ऐसा मेरा स्पष्ट आरोप है। और इसकी सीबीआई की जांच आपके चैनल के माध्यम से होना जरूरी है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो अच्छे काम के लिए, जो शहर का विकास के लिए जेएनआरएम का फंड यहाँ पे दिया है, तो आप देखिए यहाँ पे इतना मिसयूज हो गया है फंड का, इसकी इंक्वायरी होना जरूरी है। क्योंकि हमारी ये चैनल के माध्यम से मांग है कि ये सब जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो पैसा आया है इसकी जांच होनी जरूरी है। जी, तो जांच होनी जरूरी है। और वाकई अगर कहीं कोई आरोप लग रहे हैं, आरोप ना भी लगाएं, काफी दूर चले गए हैं और इस पर याचिका तक दायर कर दी है, लेकिन अगर आम जनता भी उस पर प्रश्न चिन्ह लगाती है तो कहीं ना कहीं उसको साबित करने की जरूरत होती है उन नेताओं को, उन अधिकारियों को जिन्होंने ये बजट तैयार किया। गंगवाल जी आपके पास आएंगे, आपने जो आरोप लगाए हैं, काफी सारे आरोप हैं, उनमें हम सबसे बड़ी एक चीज जानना चाहेंगे, कोई भी बजट तैयार होता है उसका एक अमाउंट होता है जिसके आधार पर आप आगे का काम करते हैं उस पर। आप इस पूरे मामले में जो अमाउंट तैयार किया गया है उस पर क्या कहेंगे? क्या उस पूरे के पूरे अमाउंट पर कहीं आपको भ्रष्टाचार नजर आ रहा है, या उसके कुछ खास हिस्से में आपको लग रहा है कि ये इसमें अधिकारियों या नेताओं ने कहीं कुछ भ्रष्टाचार किया है? देखिए, ये पूरा बजट ही भ्रष्टाचार का, आवाज आ रही है मेरी? जी, पूरा बजट ही भ्रष्टाचार का एक पिटारा है। ये 12,821 करोड़ का बजट है, इसमें कंप्लीट इनके लोन लेकर के खर्चा करने की एक योजना है। उसके अलावा ये एक आने वाले इलेक्शन में वोटरों को लुभाने की भी योजना है, कि बेवकूफ बनाने की योजना है। वोट से 49,000, अरे स्टेट गवर्नमेंट की जो एसआर स्कीम है, रीडेवलपमेंट ऑफ सिडको बिल्डिंग है, पब्लिक प्लाजा है, ये जो कोस्टल रोड है, ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का इन्होंने 49,000 करोड़ का इसके अंदर समावेश किया है। जी, अभी ये इन्होंने अभी बताया, कभी बताते हैं वन टाइम प्लानिंग है, कभी बताते हैं वन टाइम बजट है। इसका सबसे बड़ा मैं पहलू बोलूँ कि जो सिटी इंजीनियर है इसको तो दिमाग ही नहीं है। ये बजट के अंदर ये जो अभी ग्राफिक्स जो आपने दिखाई है, इसके अंदर इस सिटी इंजीनियर को 13 मई को बनता है, 13 जून को सारा डिजाइन होती है, 13 जून को मतलब एक 13 का कुछ फिगर है, एक ही दिन के अंदर सारा एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क बता देता है। जिस इंजीनियर को जून और जेएनयू आप देख सकते हैं, जून लिखा है और आप देख सकते हैं जेएनयू, इसको लिखना नहीं आता है, ये सिटी इंजीनियर है। मेरे पास में मैं इतने ऑथेंटिकेट आज डॉक्यूमेंट लेके आया हूँ, ये सिटी इंजीनियर का अपॉइंटमेंट लेटर है, स्टेट गवर्नमेंट ने इनको 93 में दिया था, 2,500 रुपए की सैलरी पे जूनियर इंजीनियर था, यही इसको क्वालिफिकेशन नहीं है, डिप्लोमाधारी इंजीनियर है। ये मॉन्यूमेंट प्रोजेक्ट होना चाहिए, मैं बोलता हूँ अगर पालक मंत्री साहब की ये सोच है तो बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, मैं कोई डिनाई नहीं करता हूँ अगर उनकी, लेकिन एग्जीक्यूशन किधर है? क्या ये इंजीनियर जिनका आज ये जूनियर शहर अभियंता 10 साल से बना, ये 2004 के अंदर इनको वापस ये लेकर के आए, सिटी इंजीनियर क्या ये 20-25 साल तक बैठे रहेंगे? एक जूनियर इंजीनियर आया था और ये जिसको जून और जेएनयू लिखना नहीं आता है वो इंजीनियर आज ये बजट बनता है। मैं इस बजट की इतनी बड़ी कमी बताऊं, ये हेड ऑफिस है पालिका का 184 करोड़ के लगभग का, ऑलरेडी पिछले साल के बजट में आ चुका है। ये जो इस बजट की बातें हैं, ये विष्णुदास भावे, ये जवाब दीजिए इनसे, वे जिष्णुदास भावे, ये बजट की प्लानिंग का पार्ट है। ये तो मैडम आज के 10 साल पहले सिडको ने बना के इंडोर किया है। ये जो वंडर्स पार्क है ये पिछले साल के बजट के अंदर ऑलरेडी इसका खर्चा किया जा चुका है। और इतना भ्रष्टाचार की एक लिमिट होना चाहिए। ये सांडपाणी और मल निसान, ये इसको जो एसटीबी बोलते हैं, ये ऑलरेडी तो 3 साल पहले बन के जेनारियम का प्रोजेक्ट है, मेरे पास में डाटाज है। ये जो है धनकचरा, ये ऑलरेडी प्रोजेक्ट है, जेनारियम के फंड से ये सब खर्चे किए जा चुके हैं। और ये पालिका के अंदर मेरे पास में कुछ डॉक्यूमेंट्स में बताऊंगा आपको। जी गंगवाल जी, आपने काफी कुछ चीजें सामने रख दी है। शशिकांत जी आपसे चाहेंगे, आप इस पर क्या जवाब देंगे? देखो ये सब झूठ और बेबुनियाद है, ये जो चित्र बता रहे हैं ना, ये जो सामने, ये सब हमने काम किया हुआ बताया, इस बजट में कोई सवाल ही नहीं आता, ये बन रहा है। तो आगे फ्यूचर जो है 20 साल का बजट हम बना रहे, तो किया हो किया, कोई भी अपना एक आपका वो अभी लेमन न्यूज है जी। आपका कुछ मोनोग्राम रहता है, कुछ काम किया है उसका वो आ जाता है। हमें देखिए, अगर हम बुरे होते या काम नहीं होता, ये इंजीनियर ये बोलते ऐसा ही कुछ है, क्या इनके पास कोई पैरामीटर है उनका बौद्धिक तुलना करने का? आज सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हमें 3 पुरस्कार दिए, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने दिए वाटर रिसोर्स के बारे में, और दूसरी बात स्वच्छता अभियान, संत गाड़गे महाराज उद्यान, 3 बार लगातार हमें पूरा झूठा झूठा इंडिया में फर्स्ट नंबर हम लोग लिए हुए। ये कोई ऐसा कोई उसमें भी क्या गवर्नमेंट ही है ना, क्या इनके जैसे लोगों को बिठा के हमें सर्टिफिकेट लेना है? मैनेज कर ये जो हमारा जो प्लानिंग होता है, ये शहर के अच्छे डॉक्टर्स है, वकील है, लॉयर्स है, सब मिल के हम बड़े बड़े अच्छे अच्छे लोगों के साथ
हम बैठ के इसके चर्चा करते हैं। और हमारे नेता जो है गणेश जी नाइक साहब, इनका वन टाइम प्लानिंग ये जो है वो शहर के लिए आ गया। आज आपको एक छोटा सा मिसाल दे रहा हूँ, LBT कभी लागू हो गया, अभी इस साल लागू हो गया, और हमारे न्यू बॉम्बे में 1995 में हुआ सेस के नाम पे। उस टाइम हमने वादे किए थे 1% हम सेस लेंगे और 20 साल तक नहीं बढ़ाएंगे। आज 12.5-13 साल हो गया, हमने एक पैसा नहीं बढ़ाया हुआ। ये जो हम वादे करते हैं पूरे करते, उसके लिए विजन होना है। जवाहरलाल नेहरू साहब ने इस देश के लिए सोचा था, वो करके बताया। शाहू फुले अम्बेडकर इस महाराष्ट्र के, उनके ये अनुयायी गणेश जी नाइक, ऐसा कुछ किसी के कहने से हाँ कुछ गलती हो सकती है, वो प्लानिंग में वो सुधार हो सकता है। ये नेमिंग करने के लिए पर्सन, इट इज नॉट, इज अ गार्डियन मिनिस्टर, ही इज अ दैट एरिया नेतृत्व कर रहे हैं और उनके सलाह पे चलते हैं। जी ऐसा, गंगवाल जी आप क्या कहना चाहते हैं, आप कुछ कह रहे हैं? देखिए ये भ्रष्टाचार का पिटारा आज ये कितनी सफाई दे, बास कागजों तथ्यों पे होती है। ये पालिका के पास में कई सैकड़ों करोड़ की फिक्स डिपोजिट धनाढ्य पालिका होती थी। आज ये जो कागज दिखा रहा हूँ, इन्होंने ये कागज है, डॉक्यूमेंट है मेरे पास में, मेगा सिटी प्रपल के नाम पे लोन, मेगा सिटी प्रकल 9th प्लान के नाम पे लोन, ये रोड बांधने विकास करने के नाम पे, गटारे बांधने के लोन, गावाठान विगवा जल्दी वाहिना इनके नाम पे लोन, ये कितना लोन लेंगे? ये फिगर्स है जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय पुनर्निर्माण अभियान के काम पे लोन, मल निस्सारण के काम पे, अभी अभी इन्होंने पिछले जी, साल ये आपका कहना है कि पहले से कर्जदार है और लोन उस पर लिए जा रहे हैं। यहाँ पर रमाकांत जी आपके पास आएंगे, रमाकांत जी आप क्या कहेंगे इस पूरे मामले पर? जैसा कि इनका कहना है, शशिकांत जी का कहना है कि पूरे नियम कानून के आधार पर सब कुछ तैयार किया गया है और जो काम हो चुके हैं वो भी इन्होंने ही तैयार करवाए हैं, और अगर वो आ गए उस लिस्ट में शामिल हो गए तो इसमें कोई बुराई नहीं है क्योंकि वो इनके द्वारा ही किए गए हैं। क्या कहेंगे? नहीं, सब न्यू बॉम्बे के पूरा सिटी को मालूम है, शहर के लोगों को, कि ये सिर्फ गणेश नायक साहब ने ही वन टाइम बजट बनाया है। शशिकांत बिराजदार जो बोल रहे हैं वो सब बकवास है उनकी। अभी जो गंगवाल जी ने बताया वो सच बात है, क्योंकि मैं यहाँ का डिप्टी मेयर रह चुका हूँ। इस कॉरपोरेशन के में पहले 800 करोड़ रुपए FD में रहता था बैलेंस, इतना फंड था। तो अभी आज देखिए सिर्फ 80 करोड़ रुपया सिर्फ बैलेंस है, तो कहाँ गया पैसा? इतना पैसा FD इन्होंने सब खत्म किया और ऊपर से कर्जा लिया। पौर रह चुके हैं, आपसे जानना चाहेंगे अभी का जो बजट है और जो आप लोगों के समय में पिछले सालों में बजट बना है, आपको क्या कितना डिफरेंस नजर आ रहा है उसमें? नहीं देखो, इस शहर में ये लोग बजट जो बनाते हैं, कॉमन जो बजट हमारा बन गया 2100 करोड़ का, लेकिन एक्चुअली रिकवरी उतना नहीं आता है मैडम। सिर्फ आता है 800 करोड़ रुपए, 600 के 800 के बीच में एक्चुअली राशि जमा होती है। सिर्फ ये लोग पेपर में दिखाते हैं गवर्नमेंट को, या फाइनेंस इंस्टीट्यूट जो रहती है, जैसे MMRDA है, MSRDC है, सेंटर JNRM, ये सिर्फ बजट दिखा, बड़ा चढ़ा के बजट दिखाते, लेकिन एक्चुअली यहाँ पे जमाने होती जी। तो हमने हर बार इस बात का अपोजिट किया है कि एक्चुअली जमा होती उतना ही दिखाओ। कोई विरोध नहीं किया आपने? विरोध किया है ना, विरोध गंगवाल जी विरोध किया है ना। मैंने तो पहली बार महाराष्ट्र में देखो कागज पे बात, नहीं नहीं गंगवाल जी आप गलत बता रहे हैं। मैंने राष्ट्रवादी का नगर सेवक को अंदर डाला था अतिक्रमण घोटाले में, 5 अधिकारी उसमें गए थे, आपको मालूम है सब। ये हमारे ऊपर गलत मत बताओ। मैंने खुद अपोजिशन लीडर होने के बावजूद 3.5 करोड़ का घोटाला बाहर निकाला था, पूरे देश ने दे चुका हूँ। एक आज NCP का कारपोरेटर और 5 अधिकारी को जेल में जा चुका हूँ। आज NCP का कारपोरेटर को यही राष्ट्रवादी करप्शन, आप जो बोलते हैं ना बिरादर साहब को पूछो, वो राष्ट्रवादी का कारपोरेटर अंदर 3 महीना जेल जा चुका हूँ होने के बावजूद वो आज स्टैंडिंग कमेटी का सदस्य उन्होंने बनाया। मतलब गणेश नाइक साहब करप्शन को बढ़ावा दे रहे। ऐसे आदमी को आज भी मैं आपको बोलता है, जो कैफो था वापिस वो ज्वाइन हो गए, उसको वापिस कैफो बनाने के लिए गणेश नाइक साहब कोशिश कर रही है जी। तो ये बिराजदार साहब आप बोलो मत कुछ, करप्शन को आपका नेता बढ़ावा दे रहा है। रमाकांत जी अब हम शशिकांत जी से इस पे बहुत छोटा सा संक्षेप में उनसे जवाब जानना चाहेंगे, क्या कहेंगे आप? देखो इस देश में एक कानून है, हर्षद मेहता जैसा एक स्टॉक ब्रोकर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरसिम्हा राव को जेल में भेज सकता है। आदर्श घोटाले में CM से लेके IAS ऑफिसर तक आज जेल में गए, किसी को इस्तीफा देना पड़ा। अगर ऐसा कुछ है कोर्ट में गए, कोर्ट जो डिसीजन देगा मंजूर है। और खुला चेहरों पे हम
कहते नवी मुंबई में कोर्ट ने भी तो लेकिन इस सब चीजों पर जवाब मांगा है। हाँ दे देंगे, उसमें क्या छिपने वाली बात है, कोर्ट किसी का बाप का नहीं, वो देना है देना है। और दूसरी बात, आज तीन बार हम लोग इस चौथी बार इस नवी मुंबई में, आज देखो गणेश जी नायक खुद यहाँ के पालक मंत्री है, लड़का उनका खासदार है, आमदार है, मेयर है, लोगों का जब तक भरोसा है हम उनके अच्छे के लिए हम कर सकते हैं और अच्छा ही कर सकते हैं। ये भी बेबुनियाद आरोप के ऊपर नहीं होता। अगर ऐसा कुछ करप्शन हुआ होगा, ये बोलते सीबीआई है, एसीबी है, वहां जाके अभी कोर्ट में गए तो ये चौराहे पे उठ के ये फर्जी कागज बता के क्या फायदा इनका। जी बिल्कुल, अगर कोर्ट में गए हैं तो कोर्ट में आप उन्होंने जवाब तलब किया है और आपको उसका जवाब देना है, देना है तो चीजें वहां साफ ही हो जाएंगी। एक दूसरे पर हम आरोप लगा रहे हैं, यहाँ चर्चा कर रहे हैं, यहाँ कोई झगड़े की बात नहीं कर रहे हैं, मात्र उन्होंने जो आरोप लगाए हैं कि जिस तरह से बजट तैयार किया गया उसमें खामियां हैं, आप कह रहे हैं कि बजट पूरी तरह से अधिकारियों के तहत तैयार किया गया है, अगर कोर्ट ने जवाब मांगा है आप जवाब रखेंगे, चीजें वही साफ हो जाएंगी। गगवाल जी, जाते जाते आपसे आप कुछ कहना चाहेंगे अगर, देखिए बड़ी संक्षेप में बताता हूँ, इन्होंने वन टाइम बजट बना दिया, अब हम कोर्ट के अंदर गए, आपने बुलाए, हम आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं, जो फैसला तो न्यायालय का मान्य हो गया, बिल्कुल, लेकिन ये साथ साथ में आज क्रिमिनल केस, ये जो काम किया जा रहा है, आज देखिए सेक्शन 86 बोलती है आपके पास में, ये जो दिखा रहे हैं आप सेक्शन 86 क्या बोलती है कि जो पिछले गत साल का जो बजट है उसके अलावा कोई भी खर्चा नहीं किया जा सकता। इन्होंने आज जो अभी माननीय चंद्रचूड़ साहब के हैं कि कोर्ट ने एक हुक्म दिया था कि इन्होंने पालक मंत्री का जो शीश मैला अवैध है, आज उसी क्षेत्र में 184 करोड़ रुपया खर्चे किए जा रहे हैं, और इमीडिएटली इस पालिका के जो भ्रष्ट अधिकारी व कुछ जो नगर सेवक ने अभी देखिए पिछली महासभा के तहत करीब 46 करोड़ के प्रस्ताव पास कर दिए, टेंडर निकाले जा रहे हैं, आखिर संकुश किधर है, आखिर पालिका कमिश्नर किस प्रकार से आके बंद करके अप्रूव किए जा रहे हैं, स्टैंडिंग इन द प्रपोजल। चलिए तो गंगवाल जी समय कम है, लेकिन आपने जो प्रश्न उठाए हैं, आप कोर्ट तक गए हैं, कोर्ट में गया है ये पूरा मामला, अब कोर्ट ने जवाब मांगा है इन सभी से, शशिकांत जी का कहना है कि वहां वो इसका पूरा जवाब दे भी देंगे और तब दूध का दूध और पानी का पानी साफ नजर आ जाएगा। हमें विश्वास है, आप लोग इस स्टूडियो में आए और इस पूरे मामले पर आप लोगों ने चर्चा की, आप सभी का, गंगवाल जी आपका, विराजदार जी आपका और रमाकांत जी आपका, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे इस खास कार्यक्रम भ्रष्टाचार के पिटारे में फिलहाल के लिए बस इतना ही, नमस्कार।